नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि न्यूज। मैं आपके साथ नवनीत कमलापुरी। मैं अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी चिरौंजिया गांव में मैं उपस्थित हूं और लोकसभा चुनाव अभी अपने मुहाने पर आके खड़ा है। मैं यहां से कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा कि अभी अपना मत जो है, जो 13 तारीख को वोटिंग करना है, वो किधर देंगे और किसको देंगे और किसके नाम पर देंगे और किस विकास के नाम पर देंगे या किसके किसको अपना मत का अधिकार देंगे। हम यहाँ कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया अभी चुनाव है 13 तारीख को, आप तो वोट देने जाएंगे ही। हाँ, जाएंगे। तो क्या किसको वोट करेंगे आप? हम तो देंगे मोदी सरकार को देंगे। क्यों मोदी सरकार को क्यों? क्योंकि वो तो आज 10 साल से विकास से काम कर रहे हैं, हम लोग को हर तरह से सुविधा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग को है कि अभी आप किसी को देंगे तो नया नया उम्मीदवार है, क्या करें क्या नहीं करेंगे। हम लोग के सब विश्वास जम गया है, इसलिए हम जब भी देंगे तुम्हें देंगे। क्यों ममता भैया मतलब क्या नया नया है ना? अभी उनका कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अभी उनका कोई नहीं दिया। चुनाव में तो कोई भी नया ही आता है। आता लेकिन बाकी 10 साल का होने गया, तुम देख लीजिए ना, मोदी जी को 10 साल देख लिए। तो मतलब क्या मोदी जी के कामों से आप खुश हैं? हाँ हाँ खुश हैं हम लोग। क्या क्या आपको लाभ मिला? क्या लाभ हम लोग को लाभ मिला है? पीएम किसान मिल रहा है, राशन मिल रहा है और जितना भी जो गुंडागिरी था वो सब को समाप्त किए, स्वच्छ भारत के बना दिए, इतना गंदगी था सब सफाई कर दिए, इसलिए हम लोग खुश हैं। हम यहाँ पर देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं लोग, अपना वर्क कर रहे हैं, किसान लोग हैं, हम इनसे भी जुड़ेंगे। क्या मतलब क्या आपको अभी क्या लग रहा है, किसको अपना मत अपना दी? हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। क्यों भाई मोदी सरकार को क्यों वोट करेंगे? मोदी सरकार अच्छा है, देश के लिए बहुत काम कर रहा है। देश के लिए मतलब क्या, मतलब देश के लिए कुछ आपको पता है? बहुत जानकारी है भैया देश के लिए। क्या जानकारी आपको? जैसे पानी मिला, स्वच्छ अथी का कहला, स्वच्छ भारत को बनाया गया, क्या बोलते हैं कॉलोनी मिला, हम लोग को नहीं मिला है, बहुत आदमी को मिला है। क्या आपको, आपने अप्लाई किया था कॉलोनी के लिए? नहीं, हम अप्लाई नहीं किए। आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं। तो और मतलब क्या ममता भुइया नहीं अच्छा लग रहा है आपको? अभी पहली बार आए हुए हैं गढ़वा जिला में। गढ़वा जिला ने पलामू का ये चुनाव है, तो मतलब आप क्या उनको वोट नहीं करेंगे? हम लोग तो मोदी सरकार को वोट करेंगे। मोदी सरकार को वोट करेंगे। चलिए हम आप कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब क्या आपको क्या लग रहा है इस बार? क्या 13 तारीख को तो आप तो अपना मतदान करने जाएंगे, करेंगे ना? तो क्या किसको आप वोट करेंगे, मतलब कुछ हमें बताएं। मोदी सरकार को वोट करेंगे। क्यों भाई मोदी सरकार को क्यों वोट करेंगे आप? मोदी सरकार का जो 10 साल का जो कार्यकाल है, हम सम्मान से जी रहे हैं, स्वच्छता के लिए आज स्वच्छ भारत या जो भी विकास का कार्य हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए हम लोग मोदी सरकार को ही। जैसे कि मैं कुछ और गांव में भी गया हुआ था, उन्होंने का कहना है कि बीडी राम तो दिखते नहीं हैं, तो मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? हम मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं, बीडी राम दिखे या ना दिखे, मोदी सरकार को वोट देंगे और यही विकास का कार्य हिसाब से हम उनको वोट ही करेंगे। मतलब क्या आपको विकास क्या कुछ कुछ दिखा ऐसा विकास जो आपको मन में गड़ गया हो? जितना भी आवास मिला, शौचालय मिला और रोड वोड भी मिले रहा है सब, जल जीवन मिशन के तहत बहुत 10-15 रोड हमारे गांव में। किसान है क्या? हाँ किसान। मतलब किसानी में आपको क्या लाभ मिलता है? किसान में अभी मिला नहीं है तत्काल, लेकिन जो परियोजन है हमारे यहाँ अभी जो परियोजना जो चालू हो गया अभी बन रहा है, उससे किसानों को पानी जो मेन उपलब्ध हो जाएगा, भले 2-4 साल लगे। कोयल परियोजना का जो वही किया है सोन का, उससे 10 साल में नहीं दिखाई दिया है लेकिन काम हो रहा है, उससे हमारा मतलब पानी मिल जाएगा सबसे किसान का। पानी की बात की तो पानी के लिए हमारे वर्तमान यहाँ पर पेयजल और स्वच्छ मंत्री माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा ये पहल की गई थी, लेकिन आप तो बता रहे केंद्र का ये नहीं, केंद्र का है ना, तो इनके इनके बनने से पहले बना हुआ है और काम बहुत मैंने 25-50% मोटा मोटी हो गया है काम मोदी सरकार के। और यहाँ पानी का मैंने सबसे जो मेन क्या 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 बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? सब मोदी सरकार का, मिथिलेश ठाकुर का खाली नाम चल रहा है। ये कैसे बोल सकते हैं? यहाँ विधायक नहीं पहल करेगा कैसे होगा ये? और विधायक अनुशंसा देता है अपना, मेरे एरिया में चाहिए, लेकिन सब तो केंद्र से आ रहा है ना। केंद्र से क्या आ रहा है आपको? के मतलब हर योजना केंद्र से है,
जैसे जल मीनार आया, रोड आया, टोटल चीज केंद्र से है। पानी नहीं मिला, वो एक साल हो गया, बनना शुरू हो जाएगा, हम बना दिए। जैसे अभी फोर लाइन भी बना, केंद्र से बना। नहीं, फोर लाइन तो बोलते हैं कि हमारे राज्य सरकार में जो सरकार चल रही है। तो ये झारखंड भर में ना होता, हर जगह कैसे है? बिहार में भी फोर लाइन बन रहा है, केंद्र का है। नितिन गडकरी का देन है। किनका किनका देन है, किनका देन है? नितिन गडकरी, नितिन गडकरी जी का। ये कौन है? ये आपका रोड का मंत्री हुए, परिवहन मंत्री। तो मतलब आप सीधा सीधी भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, हम लोग भाजपा को वोट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पर गांव वाले, यहाँ चिरौजिया प्रखंड में थे, शहर से मात्र महज 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 13 तारीख को अपना मत का अधिकार का जरूर प्रयोग करें और 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा निकल करके अपना वोटिंग जरूर करें। धन्यवाद। किसको आप वोट करेंगे? आप बीजेपी को। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, और ये सब जो लालटेन, ये सब जितना भी है ना कांग्रेस वाले, ये सब चोर पार्टी है। कैसे आप चोर कैसे बोल दीजिएगा भैया? आप तो भैया ऐसा क्या बोल रहे हैं? ये सब का राज में हम इतना दिन से देखे, पूरा उग्रवादी लोग आकर के ऐसे हम लोग के घर तरफ रहता था। हम खुद है, कहाँ घर है? मेरा घर सीनिया प्रखंड के ग्राम डोल में है घर, वहाँ देखते थे। हम खुद खाना पहुँचाए हैं उग्रवादी लोग को। मतलब क्या है, मोदी सरकार आने से ये सब नहीं, सब खत्म हो गया? मरना पसंद करेंगे लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस तो यहाँ उठा नहीं है, आरजेडी उठा हुआ। हाँ वही आरजेडी जो है। मतलब आप मार भी दे, आपको कोई मार भी दे तो आप वोट नहीं कीजिएगा? साला भी बैठ दे तभी नहीं देंगे दूसरा के वोट। देख लिए यहाँ लोगों से ऐसे ऐसे बात सुनने को मिल रहे हैं, मतलब इन्हें मार भी दिया जाएगा तो ये आरजेडी को वोट नहीं करेंगे। देखते हैं अब 13 तारीख को वोटिंग है, अब किनके मत किनको अपना इस बार पलामू में अपना सेवा करने का मौका मिलता है, देखने की चीज है। धन्यवाद। मैं कुछ महिलाओं से भी जानना चाहूंगा कि आगामी 13 तारीख को जो अभी लोकतंत्र का महापर्व, जैसे हम लोग पर्व मनाते हैं, लोकतंत्र का महापर्व 13 तारीख को होने वाला है, उसमें अपना ये अपना मतदान किस पक्ष में देंगे और किन्हें देंगे, हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या इस बार 13 तारीख को वोट करने तो जाइएगा आप? हाँ जी। तो वोट करने का तो जाइएगा, तो फिर किसको वोट कीजिएगा? मोदी सरकार को। क्यों भाई, मोदी सरकार को ही क्यों वोट कीजिएगा? क्योंकि मोदी सरकार हम लोग का सुविधा दिए हैं और हम लोग का विश्वास है जे आगे के लिए भी मोदी सरकार जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे और सबके महिला लोग के भी सुविधा देंगे, सुरक्षित रखे है बेटी बहना सबको। आप एक महिला हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, महिला अभी चुनावी मैदान में आई हुई है ममता भुइयां जी, तो क्या उनमें क्या आपको कमी क्या नजर आई कि आप वोट नहीं उनको कीजिएगा? इसलिए कि उन लोग के हम लोग जान नहीं रहे हैं, वो कैसे है कैसे नहीं है उन लोग को तो हम नहीं जान रहे हैं। हम लोग तो केवल मोदी के जान रहे हैं, मोदी सरकार जो है हम लोग के सुविधा दिए हैं या अभी जो भी किए हैं, पीएम किसान देते हैं, चावल देते हैं, कोरोना काल में हम लोग का जो दिए ना महिला लोग के जो किचन का जो काम चला है, किचन में क्या 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 मतलब किचन में क्या गैस दिए है, चावल दिए है, और तो नहीं कुछ दिए है, नमक वमक ये देते हैं ना, तो इसी में हम लोग खुश हैं और आगे भी खुश रहेंगे। मतलब सीधा सीधे आप मतलब भाजपा को वोट करेंगे? हाँ, हम लोग कमल का फूल खिलाएंगे देश में और किसी के नहीं खिलाएंगे। अच्छा, मैं कुछ और, मैं एक महिला है, इनसे भी जाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल तो इनका हम तो देख रहे हैं कि डैमेज है। क्या मतलब क्या इस बार क्या आप वोट तो देने जाएंगे तो किसको वोट करेंगे आप? हम भी वही भाजपा के देंगे, मोदी सरकार को। क्यों भाजपा को ही क्यों वोट करेंगे आप? वही जो कोरोना काल में सब कुछ पूरा है, दिए हैं गैस सिलेंडर ये सब, और उनके में देंगे हम। और उन्हीं से कहा ज्यादा बोला तो ममता भुइयां भी मैदान में आई हुई हैं और जानिए नहीं रहे हैं तो हम कैसे उनको दे देंगे? ममता भुइयां को पहचान नहीं है तो ओ, मतलब आपके क्षेत्र में नहीं आए हैं क्या? नहीं, हमको नहीं मालूम है। ठीक है, मतलब आप सीधा सीधी जानिए कि 13 तारीख को अपना मत का अधिकार का जरूर प्रयोग करें और अपने बूथ पर जाकर के अपना अधिकार। जिला मुख्यालय में कई वर्षों से आपको कपड़ों का आकर्षक सेल देने वाला एकमात्र प्रतिष्ठान
पदुमलाल पवन कुमार NXT दुकान का भव्य शुभारंभ नियर कचहरी रोड में हो गया, जहां आपको मिलेगा कपड़ों का अनेक वैरायटी की लहंगा, सूट, साड़ी, कोट, पैंट, ठंड के मौसम में ऊनी गर्म कपड़ों का सेल, लेडीज जैकेट, स्वेटर आदि अन्य कपड़ों का संग्रह एक बार अवश्य मेरे न्यू प्रतिष्ठान में पधारे और लगातार सेवा करने का मौका दें।